सारे जा सारे गा रे जा सारे गा मा गा रे जा सारे गा मा बा मा गा रे जा सारे गा मा बा दा बा मा गा रे जा सारे गा मा बा दा नी दा बा मा गा रे जा सारे गा मा बा दा नी जा नी दा बा मा गा रे जा सा सा रे रे गा गा मा मा बा बा दा दा नी नी जा 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 नी नी दा दा बा बा मा मा गा गा रे रे जा जा सो ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि थोड़ा रियाज कर लेते हैं एंड हालांकि इतना जगह रियाज किए बट ये फायदा स्पीकर का है, कहीं भी उठा के रख लो और स्टार्ट हो जाए। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs. तो बहुत दिनों से सूटकेस को रिपेयर कराना था, इसकी एक चेन ख़राब हो गई है। वेयर इज इट, दिस वन सी। चलो जाते हैं और इसको रिपेयर करा के आते हैं, वरना हमेशा ऐसा होता है कि जब ट्रिप शुरू होने वाली होती है सब सडनली आ जाता है, अरे यार सूटकेस तो ख़राब है, तो इसलिए इसको रिपेयर भी कराते हैं। चलिए मैं आपको आज एक काम की चीज़ सिखाता हूँ। हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ओके। जो चाय पीते हैं उनका तो एक अच्छा सोल्यूशन है कि वो दूध डाल के, दूध बिना डाले चाय पीना शुरू करें या उसमें नींबू डाल के उसको लेमन टी बना के पिए तो हेल्दी हो सकती है। हाउ यू कैन मेक योर कॉफ़ी इंटरेस्टिंग, जिन लोगों को पता है जो बहुत सारी डाइट्स फॉलो करते हैं उनको पता है कि घी कॉफ़ी एक चीज़ होती है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और घी कॉफ़ी अगर आप खाली पेट पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है आप दिन में 2-3 बार उस कॉफ़ी को पी सकते हैं। बट क्या घी कॉफ़ी बनाना बहुत मुश्किल है? एक्चुअली नहीं, इट्स वेरी सिंपल। आपके पास ब्लेंडर हो तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफ़ी लो, मग। ये जो आप पैकिंग देख रहे हो ये मेरे घर का घी है, ये मेरी मम्मी ने बना के दिया है, तो जब मैं वहाँ से लाता हूँ तो इसको ऐसे ऐसे पैक करके लाता हूँ कि ये रास्ते में खुल ना जाए, इसीलिए इसकी पैकिंग इस तरह की है, हम लोग कभी इसको खोलते ही नहीं हैं। सो ये देसी घी है। पहले जितना भी आपको कॉफ़ी पीनी है इसमें आपको मिलानी है कॉफ़ी। अभी कप में क्यों डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल करता हूँ, इस ब्लेंडर का इस्तेमाल करता हूँ। टेक हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उसमें स्वाद के अनुसार सपोज़ आधा चम स्पून मैंने कॉफ़ी मिला ली एज पर माई टेस्ट, ओके। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, अब इसमें मिलाना है घी। कभी भी देसी घी में गीली चम्मच नहीं डालनी चाहिए वरना उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, इसलिए साफ़ चम्मच लो, सूखी चम्मच, और उससे लगभग इतना घी काफ़ी हो गया, दिस इज़ मोर देन इनफ। इसको आप कप में डालो। घी को अच्छे से मिक्स कर लो और ये आपकी यमी घी कॉफ़ी तैयार हो गई।
अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो देसी घी के पराठे खाता हूँ या मैं देसी घी में छुकी हुई सब्जियाँ खाता हूँ। एक्चुअली वो देसी घी बचता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना जला देते हैं हम उसको कि जितने भी उसके यू नो पॉजिटिव साइड्स है वो सब ख़त्म हो जाता है। आप खाने में अगर घी खाते हो तो ऊपर से डालो, लेकिन ज़्यादा मत डालो कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी लिमिट में, जो भी खाएं लिमिट में खाएं। आपके जॉइंट्स के लिए जो लुब्रिकेशन चाहिए होता है वो आपको घी देता है। उसके बाद ये जो घी कॉफ़ी है ये आपके कॉफ़ी की जो नेगेटिविटी है उसको कम कर देती है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये आप कर सकते हैं। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं, चांदनी झरने घटाए, गीत बारिश तितलियां हम पे हो गए हैं सब मेहरबान। 11 मिनट्स लेटर। ओके, तो रियाज तो थोड़ा बहुत खत्म हो गया और वर्कआउट शुरू करते हैं, क्योंकि वर्कआउट मेरा अटक गया है एंड मुझे लगता है कि थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेरा वर्कआउट चल रहा है दिस इज़ नॉट अ ग्रेट वर्कआउट। ये और ऐसा वर्कआउट मैं पर्सनली नहीं करता था। सो वर्कआउट अच्छा शुरू करते हैं, और एक चीज़ मैं आपको जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से कि वैसे तो गला कभी भी ख़राब हो सकता है या फिर आपको स्किन की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि अगर बुध आपका ख़राब है, बुध ग्रह की सिचुएशन पोजीशन आपकी आप ख़राब है, आपके जो भी यू नो हॉरोस्कोप के हिसाब से, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से, तो आप दो चीज़ नोटिस करेंगे। अचानक आपकी स्किन इश्यूज शुरू होंगे, स्किन की एलर्जी बीमारी वो सब बुध के वीक होने से होती है, और दूसरा गला, क्योंकि बुध का स्थान इधर है। जिसका बुध बहुत स्ट्रांग होता है उनका वो आवाज़ से, चाहे वो स्पीच देते हों चाहे वो गाते हों, वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। जिन सिंगर्स या फिर पॉलिटिशियन या फिर जो भी आपको लेक्चर या कुछ भी आवाज़ से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको किसी का बहुत अच्छा लगता है तो उनका बुध बहुत स्ट्रांग होगा। मेसमराइजिंग आवाज़ अगर किसी की है तो समझ लीजिए कि उसका बुध बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आप मान लो कि ये वीक है तो क्या करना है, तो एक काम तो आप आराम से कर सकते हैं, बुध मंत्र, इसको बीज मंत्र भी कहते हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये मंत्र है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं, हेल्प करेगा। 2 hours later. थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ करने की कोशिश की थी। आई ट्राई टू अपलोड माई ब्लॉग ऑन अ सेम डे, आज ही शूट किया और आज ही एडिट किया। इट वॉज़ चैलेंजिंग, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट एंड बट आई लाइक टू डू समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हट के। आई नो इसमें व्यूज़ अक्सर नहीं आते हैं, जो कि नहीं आए भी, और इट्स परफेक्टली ऑल राइट। और मुझे वापस रिदम में आना है, प्रॉब्लम ये कि हो नहीं रहा है। सो आई थॉट कि मैं रात को जाऊँगा और एटलीस्ट स्किपिंग तो करके आऊँगा, बिकॉज स्किपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज विच आई पर्सनली लाइक। लेकिन अभी कितना जाएगा पता नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम से वर्कआउट किया ही नहीं है। आई होप इस पूरे हफ्ते में इस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाऊँगा, बिकॉज आइडिया इज़ कि एक जैसे 100 डेज 100 ब्लॉक का चैलेंज लिया था, ऐसे 21 डेज का चैलेंज लेते हैं, एवरी डे वर्कआउट नो मैटर व्हाट। Thank you.
ओके थर्ड राउंड 500 मोर टू गो 300 मोर डन इतना इजीली होता था ये एंड माय हैंड्स आर नॉट रीचिंग नॉट गुड ठीक है भाई दोबारा से मेरा वर्कआउट भले ही मैं 30 सेकंड का डालूंगा बिकॉज दैट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी क्योंकि मुझे व्लॉग में डालना है तो मैं वर्कआउट भी ठीक से करूंगा सो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं लगता हो फिर भी मैं एवरी सिंगल डे आई विल पुट माई वर्कआउट इन माई ब्लॉग जो रेगुलर वर्कआउट मेरा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है एक तो मैं एडिट करते करते इतना थक जाता हूँ उसके बाद द मोमेंट आई लाई डाउन आई स्लीप बट मुझे लगता है कि जब तक मैं मेरे ब्लॉग में एवरी डे आई वॉज पुटिंग माई वर्कआउट इट वॉज चैलेंजिंग बट इट वॉज गिविंग मी मोटिवेशन टू वर्कआउट कि कुछ भी करूँगा थकूँगा लेकिन वर्कआउट जरूर करूँगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई ब्लॉग तो आज के लिए बस इतना ही दिस इज राहुल लोहानी आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ आई विल सी टुमॉरो इन माय न्यू ब्लॉग टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस लव यू ऑल बाय गुड नाइट शुभ रात्रि